वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम मौजूद हैं सिविल अस्पताल के एक सड़क किनारे और अंदर ही हम मौजूद हैं और देखने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मरीजों को किस हद तक सही तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाती हैं और किस तरह से वादे वईद किए जाते हैं, क्या उनको वो फैसिलिटीज़ उस तरह से फराहम की जाती हैं। जबकि ब्रेक से कबल हमने बात की थी कि नदी नालों का मंजर पेश करने वाले सिविल अस्पताल के इस नाकिस सफाई का जिम्मेदार आखिर कौन है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमने बात की है MS सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर सईद कुरैशी साहब से कि वो चंद मिनट हमें दे दें ताकि हम उनसे बात कर सकें। दो दिन से हमने उनसे रابطہ किया लेकिन इस वक्त हमारा टेलीफोन अटेंड नहीं कर रहे हैं, ना ही हमसे रابطے में है। कोशिश हम करेंगे कि वो हमारी बात सुने और कम से कम जवाब तो दें इन चीज़ों का कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जिन चीज़ों को जिस तरह से वो देख रहे हैं। नाज़रीन, ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल जो है फुटपाथ का मंजर पेश कर रहा है और फुटपाथ पे भी जो है पान इस तरह से शायद नहीं थूका जाता होगा जिस तरह एक अस्पताल के अंदर के ये मनाजिर हैं। और बिल्कुल इसके सामने एक वार्ड है, मक्खियाँ और मच्छरों की बहुतात है। नाज़रीन, अंदर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वार्ड्स और एमरजेंसी में सूरत हाल क्या है। कहीं से भी सिविल हॉस्पिटल का ये हिस्सा किसी अस्पताल का मंजर पेश नहीं कर रहा है। नाज़रीन, मैं इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा अपने कैमरामैन की, अगर वो दिखा सकें, ये एरिया किसी तरह से भी एक अस्पताल का मंजर पेश करता हुआ दिखाई नहीं देता। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी हम खंडर में आ चुके हों। अटेंडेंट्स मौजूद हैं, कुछ अपने पेशेंट्स के साथ आए हुए हैं। कोशिश मेरी होगी कि उनसे बात करें और जानने की कोशिश करें कि कितने दिन से वो यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ये हॉस्पिटल, वो क्या नाम है, ये हिल पार्क से यहाँ शिफ्ट हुए हैं, वहाँ हमारा सही इलाज नहीं हुआ। सही इलाज नहीं हुआ तो यहाँ सही इलाज होने की तवक्को है? हाँ, वहाँ वो पैसे बहुत लेते हैं, मतलब है। और यहाँ कोई सही 12 दिन वहाँ था, अभी पहला दफ़ा यहाँ है। पहली दफ़ा बाहर। किस चीज़ का पेशेंट है आप? हमारे हुकूमत टेटनेस हो गई थी हमारे भाई। टेटनेस हो गई? टेटनेस हो गई थी। अच्छा, तो डॉक्टर सही टाइम दे रहे हैं? आप तो यहाँ बाहर गर्मी में बैठे हुए हैं। यहाँ तो माशाल्लाह सही दे रहे हैं, यहाँ सही टाइम दे रहे हैं। आप मुतमईन हैं? हम मुतमईन। नाज़रीन, आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये वॉशरूम्स का वो एरिया है जहाँ पर जो है मेरे ख्याल से शायद इंसान तो क्या कोई जानवर भी नहीं जाता होगा। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सिविल अस्पताल के अंदर के शॉट्स हैं। बिल्कुल जो है ये मुत्तसिल है एक वार्ड के साथ और आप देख सकते होंगे कि इसके बराबर में वॉशरूम्स बनाए गए हैं। मैं चाहूँगा कि मेरी वहाँ तक एक्सेस हो और वहाँ पर अंदर जा के देखें कि किस हद तक जो हैं सही सहूलियात की जा रही हैं। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक अमर ये है कि ये कोई किसी गांव का जो है हॉस्पिटल नहीं है, ये दूर दराज किसी इलाके का कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये कराची का मरकज़ी जो है मरकज़ सेहत है और यहाँ पर आम शख्स की एक्सेस इस लिहाज से बहुत आसान है क्योंकि जब भी खुदा ना खास्ता यहाँ पे टारगेट किलिंग के वाकयात होते हैं, कोई इमरजेंसी या नागहानी आफत होती है या फिर कोई भी शख्स किसी भी छोटी मोटी बीमारी में मुब्तला होता है तो उसकी सबसे पहली कोशिश या अव्वलीन कोशिश यही होती है कि वो सस्ते और हुकूमती खर्च पर होने वाले इलाज के लिए कोशिश करें। मैं दिखाना चाहूँगा पेशेंट्स को, बहुत क्लोजली हम देखना चाहेंगे और जानना चाहेंगे उनके अटेंडेंट से कि किस तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं सर आप? हैदराबाद से। कितने दिन से हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो आज ही ट्रांसफ़र हुए हैं और मतलब इससे पहले वो डेंजरस पोजीशन थी, इससे पहले हम हैदराबाद में सिविल अस्पताल में गए थे। अच्छा। तो उन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। कैसा पाया आपने सिविल हॉस्पिटल कराची को? सो क्योंकि यहाँ पे जो है मतलब कि जो स्टाफ जो है ना वो मतलब कोऑपरेटिव क्यों नहीं है कि इनको मतलब कि तालीम याफ्ता होना चाहिए। गार्ड वगैरह हैं वो जो बदतमीजी करते हैं बहुत हद से ज़्यादा। जी बीबी, आप बताइएगा। मतलब गार्ड वगैरह का ये है कि वही टाइमिंग जो है बस उसी टाइमिंग में आ पाए, वरना नहीं बच्चे की तबीयत सीरियस है या है हम मिलना चाह रहे हैं नहीं। उनका बिहेव सही? जी। क्या किसी सीनियर डॉक्टर से आपका रब्ता हुआ? सीनियर डॉक्टर से मिलने नहीं देते हैं। मिलने नहीं देते हैं, एक्सेस नहीं है आपको? जी बेटा, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है? सीने का इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हुआ है आपको? यहाँ पे इलाज सही मिल रहा है? ICU तो सही हुए। ICU सही थे, वार्ड में नहीं है सही। अच्छा, आपके बराबर में बिल्कुल वॉशरूम्स का अभी हम मंजर देख के आए हैं। तो उसकी बात है कि यहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद के अंदर 5 रुपये लेते हैं, वहाँ पे अभी वॉशरूम पैसे लेने का है
आप अभी जाएं आप मस्जिद का वॉशरूम देखें, गंदगी देखें आप लोग, और जो ना खुद ही ऑब्जर्व करें इस चीज़, ये देखें ऊपर देखें, ये मतलब कि इतना बजट आ रहा है और इतनी मतलब कि अब तो सूबे के ऊपर मेडिसिन मतलब हेल्थ सूबे के ऊपर आ गए हैं, तो ये मतलब सूबे मतलब क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है समझ में नहीं आता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। इधर देखें स्कूल, देखें इधर, देखें आप ये इधर क्लोज कर, कैमरा मैन मेरा दिखा सके तो ये अटेंडेंट्स के लिए रखे गए उस बेंच की सूरत हाल है, जिस पर बैठना इंतहाई दुश्वार गुजार है किसी भी शख्स के लिए, अटेंडेंट के लिए। आगे जाऊंगा और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर और जो अटेंडेंट्स हैं या पेशेंट्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? हम खारादर से आए हैं। खारादर से किस चीज़ के पेशेंट हैं बाबा जी? ये टांगों का, ये न्यूरोलॉजी का। अच्छा, तो कैसा इलाज है यहाँ पे? इलाज तो सही हो रहा है लेकिन टेस्ट अभी तो हो रहे हैं, बाद में रिपोर्ट देखेंगे फिर बताएंगे कि क्या है। जो भी सूरत हाल है आप उससे मुतमईन हैं, लोग सही ट्रीट कर रहे हैं आप? सच बताइएगा। लोग तो सही हैं, डॉक्टर भी सही हैं, नर्सें भी सही अपना वक्त पे काम कर रही हैं, लेकिन ये सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं हो रहा, करते भी हैं सफाई तो पता ही नहीं चलता सफाई है या नहीं है, और ये बाथरूम और ये तो बराबर में वॉशरूम से आप गई हैं वहाँ पे? हाँ जी, देखा है हमने, हम सारा काम यहीं पे बर्तनों में करके बस फेंक के आते हैं, वो भी ऐसे करके फेंक के पानी आ जाते हैं, लेकिन दिल नहीं मानता मान रहा होता कि लैटरिन खोल के देखें या दरवाज़ा खोलें, और ये मर्द लोगों के लिए तो बेचारों के लिए बहुत ही मुसीबत है, यहाँ पे तो गटर बंद है बिल्कुल, और कमरे में भी पानी आना शुरू हो जाता है, रात को इतनी बदबू होती है, ऐसे करके सोते हैं सारे। क्या एक जी शऊर शहरी की हैसियत से, एक अच्छे पाकिस्तानी की हैसियत से हम तवक्को कर सकते हैं कि कराची जैसे मेट्रोपोलिटन शहर में एक बड़े हॉस्पिटल जिसका एक दायराकार बड़ा है, जहाँ पर कभी भी टारगेट किलिंग हो सकती है, जहाँ पर कभी भी इमरजेंसी सूरत हाल हो सकती है, वहाँ पर इस तरह की सहूलियात हों? नहीं, ऐसे नहीं होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। नाज़रीन, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए बात ये नहीं है, बात यह है कि इस वक्त है क्या, प्रोवाइड क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड जो कुछ भी किया जा रहा है वो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल के जो मनाजिर हैं वो इंतहाई जो है अफसोसनाक हैं। एक खातून और हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग कहाँ से आए हैं? बलूचिस्तान जाफराबाद। जाफराबाद से? हाँ। तो कैसा पाया आपने, इलाज सही हो रहा है? हाँ भाई, अब इतना सही हो रहा है, बस बिल्कुल सबके इलाज सही हो रहा है, नहीं माने तो नहीं माने, हमारा बेटा पे करवट भी नहीं बदल सकता था। अच्छा। बिल्कुल जख्म हो गया है इधर, अभी सही माशाल्लाह, पहला इकबाल मेमन साहब ने इसका इलाज किया है, अभी एक साल इधर शिफ्ट किया, ये इलाज करते हैं वो अपने बेचारा बस करते हैं, हर का अल्लाह करे। अच्छा। मेरा बिल्कुल बेटा। आपका खर्चा ज़्यादा होता है यहाँ पर? नहीं, खर्चा नहीं, सारे डॉक्टर इधर देते हैं। एक खुशाइन बात ज़रूर है कि चलो किसी पेशेंट ने तो ये कहा कम अज़ कम कि उसका मरीज़ जो है वो बहुत बुरी तरह बीमार था, अब कुछ बेहतर हुआ है। और भी पेशेंट यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम अजीन, कहाँ से आए हैं? बलूचिस्तान से आए हैं। बलूचिस्तान से आए हैं जी। किस चीज़ का पेशेंट है आपके साथ? का ये बच्चा का ये रीढ़ का हड्डी टूट गया। अच्छा जी। उसका भी एक साल हो गया, अभी तक अच्छा नहीं है। कितने अर्से से मौजूद? अभी तो एक साल हो गया। कितने दिनों से हैं? अभी हम लोग का जी अभी तो महीने होने वाले हैं। कैसा इलाज हो रहा है? जी है राज तो पट्टी कर रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है। अच्छा, आप मुतमईन हैं इस इलाज से? जो डॉक्टरों का रवैया सही है? जी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। और यहाँ पे जो सफाई की सूरत हाल है वो भी ठीक है? नहीं, सफाई नहीं है, सफाई तो नहीं है, तो हालत तो खुद देखो ना। नाज़रीन, न सिर्फ कराची शहर से बल्कि इर्द गिर्द के इलाकों यानी हैदराबाद और दीगर नवाही इलाकों से भी, और अब तो हमें कुछ पेशेंट्स ऐसे मिले हैं जिनका ताल्लुक जाफराबाद बलूचिस्तान से है, उनका कहना यह है कि जनाब सफाई का मेयार तो बिल्कुल कतई नाकिस है, लेकिन इलाज मुआलजा किसी हद तक बेहतर है और इलाज जो है वो ठीक हो रहा है कुछ पेशेंट्स उनके, और शायद ये उनकी कनात पसंदी मैं समझूंगा, क्योंकि इतने दिनों से जो शख्स यहाँ हॉस्पिटल में बैठा हो उसके लिए उम्मीद का दामन छोड़ना भी मायूसकुन बात है, शायद वो इसलिए अपनी तमाम तर मायूसी को जो है ख़त्म करने के लिए इस तरह के जुमले दे रहे हैं। नाज़रीन, मज़ीद बातचीत का सिलसिला जारी है, कोशिश हमारी होगी कि हम MS सिविल हॉस्पिटल से बात करें और आपको जो है मज़ीद बताएं कि उन्होंने जो हमें टाइम दिया था और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात पर बात करने के लिए जो वक्त दिया था वो क्यों नहीं पहुंचे। इस वक्त टाइम हुआ है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जनाब पर्ची सिस्टम अस्पतालों में भी शायद जारी है, इस पर्ची सिस्टम की सिफारिश की वजह से शायद सिफारिशी मरीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और आम मरीज़ अदम तवज्जो ही का शिकार हो जाते हैं। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। अनहो
घोनी सी सूरत हाल का सामना करना पड़ गया। उनसे कोई उनके बच्चे से कोई 9 माह का बच्चा छीन के ले गया और उस पर किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। ये देखने में 6 महीने की है। ऐसे कमीज पहना हुआ था और एक ऐसी चड्डी पहना हुआ था बच्चों को।